नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट बंद कर दिए गए हैं। इसके चलते सैकड़ों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ट्रेन पर खासतौर पर अप डाउन करने वाले यात्री ज्यादा जाते हैं, विद्यार्थी वर्ग जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन में जनरल की जो टिकट मिला करती थी इसको रद्द कर दिया गया है। खासतौर से जुआरखेड़ी, नरियावली जैसे छोटे स्टेशन पर रिजर्वेशन की सुविधा ना होने से यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करना पड़ रहा है। ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्रियों को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ रहा है। इसके चलते यात्रियों ने दोबारा जनरल टिकट चालू करने की मांग की है। दरअसल दिन में बीना से कटनी की ओर यात्रा करने के लिए सिर्फ भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन में जनरल टिकट सेवा शुरू होने से हजारों लोगों को राहत मिली थी। जनरल टिकट लेकर लोग बीना से खुरई, जुआरखेड़ा, नरियावली, सागर सहित अन्य स्टेशनों की यात्रा आसानी से कर लेते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही रेलवे ने जनरल टिकट बंद कर दी। इसके चलते सैकड़ों लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से छोटी स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर न होने के कारण लोग रिजर्वेशन नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ लोग ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे लोग मजबूरी में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। एक यात्री के द्वारा बताया गया कि बुधवार को उन्हें सागर जाना था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट बंद कर दिए गए हैं। टिकट लेने जब वो काउंटर पर पहुंचते हैं तो उन्होंने बताया कि यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, लेकिन तुरंत रिजर्वेशन कराना संभव नहीं था। इसके चलते वो प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन में सवार हो गए। यात्रा के दौरान टीटीई ने उन्हें 350 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह कई यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और यात्री बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शहरवासियों की मांग है कि सागर जाने के लिए दिन में भोपाल बिलासपुर के अलावा एक भी ट्रेन नहीं है, लेकिन रेलवे ने इस ट्रेन में जनरल टिकट जारी करना बंद कर दिया है। इससे बिना रिजर्वेशन कराए लोग ट्रेन में सफर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की मांग है कि जनता को परेशानियों को देखते हुए भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल टिकट की सेवा दोबारा शुरू की जानी चाहिए। जैसे हमको और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।